services related to transportation of goods excluding by mail or by courier. तो mail और courier को अलग कर दो आप, mail और courier को अलग. Transportation of goods excludes mail or courier. तो mail और courier के लिए applicable नहीं. देखो क्या, the place of supply of services of transportation of goods other than by mail or courier shall be the place of destination of such a goods. तो अगर मैं ट्रक से कोई गुड्स यहां से पाकिस्तान भिजवा रहा हूं या नेपाल भिजवा रहा हूं, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे उसका डेस्टिनेशन होगा. तो डेस्टिनेशन कहां है, नेपाल. तो नेपाल वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन माना जाएगा इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. फिर सर्विसेज रिलेटेड टू पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन. अब पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट ये सब वहां भी देख के आए अपन, अगर आपको याद होगा 12 में, इसीलिए बोला आपको कि उसका कंपैरिजन करते चलो. द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शॉल बी द प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क, वेयर पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूस जर्नी. पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, ओके, तो जहां से वो पैसेंजर एम्बार्क हो गया दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. जैसे देखो, तो हमारा फ्लाइट जा रहा है मान के चलो नागपुर, नागपुर से मुंबई, मुंबई से दुबई. ओके, ऐसा फ्लाइट जा रहा है हमारा, नागपुर से मुंबई, मुंबई से दुबई, ऐसा फ्लाइट जा रहा है. तो फिर अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो मान के चलो कि ये पैसेंजर अगर नागपुर में बैठा हुआ है तो फिर नागपुर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. मुंबई बैठा है तो मुंबई, इसके बीच में अगर वो दुबई में बैठा है तो दुबई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो जहां से वो पैसेंजर एम्बार्क हो गया, एम्बार्क ऑन द कन्वेंस, राइट, पैसेंजर, यहां पे कन्वेंस का एम्बार्केशन नहीं देखना है, पैसेंजर का एम्बार्केशन. तो पैसेंजर कहां पे चढ़ रहा है, फ्लाइट में चढ़ रहा है या फिर वो कोई भी व्हीकल में चढ़ रहा है, जहां से जहां पे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चढ़ रहा है दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, तो ये अगेन सप्लायर और रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया और इंडिया का. जैसे ये कौन सी, सिंगापुर एयरलाइन है मान के चलो, सिंगापुर एयरलाइन, तो सप्लायर ऑफ सर्विस सिंगापुर एयरलाइन है ना, सप्लायर. और रेसिपिएंट कौन है, देखो रेसिपिएंट इंडिया का है मान के चलो आशीष, मैं बैठा हूं फ्लाइट में, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई का जहां से वो एम्बार्क हो गया. अगर वो एम्बार्क कहां से हुआ मान के चलो नागपुर से, तो नागपुर से अगर एम्बार्क हो गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर माना जाएगा और यहां पे जीएसटी लगेगा फिर. लेकिन वही अगर वो दुबई से बैठा या सिंगापुर से बैठा तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, सिंगापुर, जहां से वो एम्बार्क हो गया. ओके, ग्रेट. फिर नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू ऑन बोर्ड अ कन्वेंस. अभी भी देखा था ऑन बोर्ड जो हम सर्विस दे रहे वो कन्वेंस के अंदर प्रोवाइड की जाए. मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल वहां पे दिया, लेकिन वहां क्या था कि सप्लायर भी इंडिया का था और रेसिपिएंट भी इंडिया का. यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे क्या बोल रहा है, इधर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक इंडिया के बाहर गया. तो फिर ऐसे केस में देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड और कन्वेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इंक्लूडिंग द सर्विस इंटेंडेड टू बी होल्ली और सब्सटेंशियली कंज्यूम्ड वाइल ऑन द बोर्ड. तो ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस आपको सिंगापुर एयरलाइन में दी गई, शॉल बी द फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस. तो अब ये सर्विसेस अगर उसके अंदर दी गई तो फिर क्या है, जहां से उसका फर्स्ट स्केड्यूल डिपार्चर है फ्लाइट का. तो मान के चलो ये सिंगापुर एयरलाइन नागपुर टू मुंबई सिंगापुर है, तो फिर फर्स्ट स्केड्यूल डिपार्चर क्या है उसका, नागपुर. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, नागपुर. अब देखो, अगर कोई पैसेंजर मुंबई में भी बैठता है तो भी उसको उसका प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर ही माना जाएगा. अगर वो दुबई में बैठता है तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर माना जाएगा. अगर सिंगापुर में बैठता है तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुरी मान. तो वो कहीं पे भी बैठो उसको कहीं भी सर्विस दी जाए
कहीं भी उसको सर्विस दी जाए उसका फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट देखेंगे अपन, कन्वेंस का फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट। अगर वो इंडिया में है तो फिर जीएसटी लगेगा, अगर वो इंडिया के बाहर है, मान के चलो सिंगापुर एयरलाइन का फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट सिंगापुर में, सिंगापुर से फ्लाइट निकली मुंबई है, मुंबई में मैं बैठा और मुझे नागपुर आना है, मुंबई से नागपुर आना है, तो मैंने मुंबई टू नागपुर के बीच में ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लिया अंदर फ्लाइट में, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंगापुर, करेक्ट। फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट देखेंगे तो फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट फ्लाइट का क्या है, सिंगापुर। ओके, सब याद रखना पड़ेगा, चार पांच बार आपको पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा, समझ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, है ना, ये आ जाएगा आपको, बट आपको दो चार पांच बार उसको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 13 को अलग, सेक्शन 12 को अलग, सबको अलग 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 रख के पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सिस्टम, OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो सिंपल, जैसे देखो ये यूएस, मान के चलो गूगल, उसकी सर्विस इंडिया का रेसिपिएंट ले रहा है, रेसिपिएंट कौन है, आशीष, ये अगर सर्विस ले रहा है तो फिर अब कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाए, वो दिया हुआ, देखो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सिस्टम शॉल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो किसका लोकेशन माना जाएगा, रेसिपिएंट का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर मैं इंडिया में हूं तो ये सर्विस फिर क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, जीएसटी लगेगा। लेकिन फिर देखो, अब इसके लिए अब ये पहचानेंगे कैसे आप कि ऑनलाइन डेटाबेस तो बहुत सारे लोग एक्सेस करते, तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये इंडिया का, इंडिया में कहां, इंडिया में यूज किया गया या कहां यूज किया गया, तो फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया। अब ये एक्सप्लेनेशन में ये इतनी सारी चीजें दी, ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें से कोई भी दो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लोगे, कोई भी दो कंडीशन, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका वो पर्टिकुलर टेरिटोरी माना जाए। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते अपन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सबसेक्शन, पर्सन रिसीविंग सच सर्विसेज शॉल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटोरी, डीम्ड माना जाएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटोरी में है, इफ एनी ऑफ द टू फॉलोइंग नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन, मतलब अगर वो एक दूसरे को कॉन्ट्रा कर रही है तो फिर उसको छोड़ देंगे, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी चाहिए अपने, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए एक दूसरे को, आर सेटिस्फाई। तो अगर इसमें से कोई भी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई भी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर हम प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में मानेंगे, राइट। तो देखो क्या है कंडीशन, पहला द लोकेशन ऑफ एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस थ्रू द इंटरनेट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो रेसिपिएंट का एड्रेस है, एड्रेस रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का जो एड्रेस है, वो अगर टैक्सेबल टेरिटरी का डिक्लेयर किया है थ्रू इंटरनेट, टैक्सेबल टेरिटरी का एड्रेस अपन ने डिक्लेयर किया, जैसा मैं रेसिपिएंट हूं और मेरा एड्रेस इंटरनेट पे टैक्सेबल टेरिटरी का डिक्लेयर किया है, तो फिर रेसिपिएंट का लोकेशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, इन टैक्सेबल टेरिटरी माना जाए, मतलब जीएसटी लगेगा उस केस में। आगे आपके समझ में, ग्रेट, रेसिपिएंट का लोकेशन मानना है आपको, तो फिर मैंने मेरा रेसिपिएंट का लोकेशन कहां बताया, इंडिया में बताया रेसिपिएंट का, तो फिर आपको टैक्स लग जाएगा, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, इंडिया। ओके, सेकंड, द क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और स्टोर वैल्यू कार्ड और चार्ज कार्ड और स्मार्ट कार्ड, ये सब कार्ड्स रहते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो, और अदर कार्ड बाय विच द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस सेटल्स द पेमेंट हैज बीन इश्यूड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, स्टोर कार्ड, ये कोई भी कार्ड अगर इंडियन बैंक का है, इंडियन बैंक इश्यूड इन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडियन बैंक ने इश्यू किया है, टैक्सेबल टेरिटरी में इश्यू किया है, तो फिर अब हम रेसिपिएंट का लोकेशन मानेंगे और इसके ऊपर फिर जीएसटी लगा रहे हैं। आया समझ में, तो अगर ये रेसिपिएंट का, देखो सर्विसेज तो आपने कहां यूज की, मान के चलो क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया आपने यूएस में,
तो सर्विसेज, वहां कोई सर्विस ली थी यूएस में, और यूएस में वो क्रेडिट कार्ड आपने स्वाइप कर लिया, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड कहां का है? इंडिया का है ना, तो रेसिपिएंट का लोकेशन देखेंगे और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? फिर अ बिलिंग एड्रेस ऑफ अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो आपने अगर आपका बिलिंग एड्रेस वहां पे यूएस में शॉपिंग किया और आपने आपका बिलिंग एड्रेस इंडिया का डाल दिया, बिलिंग एड्रेस ऑफ अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, शॉपिंग मतलब कोई सर्विस लिया, बिलिंग एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी का डाल दिया, तो फिर वो रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाएगा, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ऑफ डिवाइसेस यूज्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन अ टैक्स, तो आईपी एड्रेस अगर इंडिया का है तो पता चल जाता, आईपी एड्रेस वो अगर इंडिया का है तो फिर भी रेसिपिएंट का लोकेशन हम देखेंगे। बैंक ऑफ रेसिपिएंट ऑफ अ सर्विस इन विच अकाउंट इज यूज्ड फॉर द पेमेंट इज मेंटेन इन टैक्सेबल टेरिटोरी, तो बैंक ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो और अकाउंट यूज्ड फॉर द पेमेंट इज मेंटेन, मतलब आप यूएस में गए वहां पे कोई सर्विस ली जिसके लिए आप इंडिया का, जो आपका बैंक अकाउंट इंडिया का है और ये इंडियन बैंक अकाउंट से अगर आप पेमेंट करवा रहे हो आप, तो बैंक अकाउंट विच इज मेंटेन इन टैक्सेबल टेरिटोरी, इंडिया में मेंटेन किए हुए बैंक अकाउंट से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में भी आपको क्या हो जाएगा बेटा, ये जीएसटी लग जाएगा टैक्सेबल टेरिटोरी में, आपका रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटोरी माना जाए। और कंट्री कोड ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ आईडेंटिटी, ना कंट्री कोड वगैरह, आप मोबाइल नंबर के सामने 91 लगाते हो, है ना, ये कंट्री कोड्स रहते हैं, फिर उस केस में भी टैक्सेबल टेरिटोरी प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एंड द लोकेशन ऑफ फिक्स्ड लैंडलाइन थ्रू विच द सर्विसेज इज रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, सेम उसका भी कंट्री कोड, और सॉरी ये जो है ये फिक्स लैंडलाइन कोड रहता है और कंट्री कोड भी एक रहता है, तो ऐसे केस में भी फिर उसका लोकेशन टैक्सेबल टेरिटोरी में माना जाए। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, ये एबीसीडी ईएफ जी इनमें से, ये सात में से कोई भी दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, टू कंडीशन, तो फिर ये टैक्सेबल टेरिटोरी का लोकेशन माना जाए, वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। तो देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ओआईडीएआर सर्विसेज शॉल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, तो रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन पर्सन रिसीविंग सच सर्विसेज शॉल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन टैक्स, तो जो रिसीवर है मतलब रेसिपियंट है वो इनमें से, आप लिख लो, अगर अगर रेसिपियंट ऑफ सर्विस, अगर रेसिपियंट ऑफ सर्विस ए टू जी में से कोई भी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो फिर जो पर्सन सर्विस को रिसीव कर रहा है, मतलब ये रेसिपिएंट जो पर्सन सर्विस को रिसीव कर रहा है, ब्रैकेट में रेसिपिएंट, वो टैक्सेबल टेरिटरी में है ऐसा डीम्ड माना जाएगा, वो टैक्सेबल टेरिटरी में है ऐसा डीम्ड माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी। कॉन्सिक्वेंटली उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि रेसिपिएंट का लोकेशन हमें देखना है। ओके, ग्रेट। तो आप केयर करो, ये इसमें से एक ही चीज गई तो चलता, दो नहीं जाना चाहिए एक साथ। ओके, फिर लास्ट है पावर टू इश्यू द नोटिफिकेशन, तो ये भी समझा देता हूं पहले, पावर टू इश्यू द नोटिफिकेशन क्या है। तो जैसे देखो, अब इंडिया, आशीष है इंडिया में और मैंने कोई सर्विस यूएस से ली, तो ये यूएस से जो सर्विस ली, ये यूएस से सर्विस लेने के बाद ये यहां पे इंपोर्ट सर्विस हो गई, इंपोर्ट, और इंपोर्ट सर्विस पे इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया। ओके, अब सेम सर्विस पे यूएस गवर्नमेंट पे भी मान के चलो कोई टैक्स लगाती है सप्लायर पे, तो यहां का जो सप्लायर है ये सप्लायर पे यूएस गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगा दिया,
यूएस गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर ऐसी सर्विस अगर यूएस से सप्लाई होगी तो ये सर्विसेस पे सप्लायर को जीएसटी भरना पड़ेगा और जो भी टैक्स होगा वहां वो भरना पड़ेगा। अब देखो यहां पे ये इंपोर्टर भी टैक्स भर रहा है, मतलब इंपोर्टेशन रेसिपिएंट की कैपेसिटी में भर रहा है आशीष, और सप्लायर को भी उसे टैक्स देना पड़ रहा है ना, तभी तो सप्लायर भरेगा आगे। तो सप्लायर को मैं टैक्स दे रहा हूं और इधर भी मैं टैक्स भर रहा हूं, तो दो दो बार टैक्सेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है बेटा, कि उस सर्विस का बेनिफिट देखते हुए, कहां पे एक्चुअल बेनिफिट उस सर्विस का लिया जा रहा है वो देखते हुए अपनी कंट्री में उसको एग्जेम्प्ट करवा दे सकता है। जैसे देखो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, क्योंकि दो बार टैक्सेशन हो रहा है इंडिया में भी वहां पे भी, और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और फॉर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द रूल द गवर्नमेंट शॉल हैव पावर टू नोटिफाई। या तो डबल टैक्सेशन हो रहा है या उसको पता चला कि दोनों कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है, ऐसे भी हो सकता है नॉन टैक्सेशन, तो ऐसे केस में क्या होगा, और यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द रूल गवर्नमेंट शॉल हैव पावर टू नोटिफाई एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेस और सर्कमस्टांसेस इन विच द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी द वेयर इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। तो जहां वो सर्विस का इफेक्टिव यूज या एंजॉयमेंट हुआ वहां पे वो टैक्स को लगवा सकते। तो ऐसे कोई केस सर्विसेस के केस में वो एक आध नोटिफिकेशन इश्यू कर देंगे और बोलेंगे भाई इन सर्विसेस के लिए फलाना प्लेस ही हम लोग टैक्सेबल प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे और फिर उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। ओके, तो जहां पे उसका एंजॉयमेंट, सर्विस का एंजॉयमेंट या इफेक्टिव यूज लिया जा रहा है वो प्लेस वो कंसिडर करेंगे और फिर उसके रिगार्डिंग में कोई नोटिफिकेशन इश्यू करके बता देंगे। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट रूल। ओके, तो वो बेसिकली क्या है कि डबल टैक्सेशन अवॉइड करना है उनको, या फिर कोई सर्विसेज पे दोनों जगह टैक्स नहीं लग रहा है तो फिर ऐसे केस में ऐसे नोटिफिकेशन वो लोग इश्यू करते और फिर बताएंगे कि ये सर्विसेज का एक्चुअल एंजॉयमेंट इंडिया में हो रहा है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानेंगे और उसके ऊपर इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा। अब यूएस में तो हम नहीं बोल सकते लेकिन इंडिया में ऐसा करना पड़ेगा आपको, या फिर एक्चुअल एंजॉयमेंट मान के चलो यूएस में, तो यहां नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे कि भाई एंजॉयमेंट यूएस में हो रहा है तो इंडिया में टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 13। आप एक बार उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, कठिन नहीं है, एक दो बार आप लेक्चर देखो, जो जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए वो एग्जाम्पल बुक में नोट डाउन करो, सब समझ में आ जाएंगे, कोई कठिन नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे अपने आप सब क्लियर होते जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखो, वो एग्जाम्पल के बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके,